2019 में Realme एक नया सीरीज को लॉन्च करने वाला है जो कि होने वाला है Realme A सीरीज। एंड इस सीरीज के अंदर आपको जो पहला स्मार्टफोन देखने को मिलेगा वो होने वाला है Realme A1। एंड ये सीरीज थोड़ा सा बजट सेंट्रिक डिवाइस होगा जो आपको बहुत ही कम कीमत में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, कैमरा बेटर देखने को मिलेगा एंड उसके साथ जो प्रोसेसर होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Realme A1 के प्राइस के बारे में, डिजाइन के बारे में एंड इसके अप्रोक्सीमेटली लॉन्चिंग डेट के बारे में। सो हे फोक्स, दिस इज चॉयन एंड आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करूँ स्मार्टफोन का डिज़ाइन के बारे में, तो डिज़ाइन आपको ऐसे मिला देखने को मिलेगा Realme A1 जैसा। फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप टाइप टाइनल नॉच सेटअप देखने को मिलेगा। बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप एंड डुअल टोन LED फ्लैश देखने को मिलेगा एंड उसके साथ आपको ग्लास फिनिश देखने को मिलेगा। तो बात करूँ स्मार्टफोन का डिस्प्ले के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा 6.4 इंच फुल HD प्लस IPS LCD पैनल, जिसका एस्पेक्ट रेशियो होने वाला है 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो एंड रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा 1080x2340 पिक्सल। तो डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है, जिसके अंदर कलर रिप्रोडक्शन, कलर सैचुरेशन एंड साइड व्यू एंगल जो होगा बहुत ही ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। उसके साथ पिक्सल डेंसिटी की बात करूँ तो हमारा आपको देखने को मिलेगा 409 PPI का पिक्सल डेंसिटी। तो डिस्प्ले ओवरऑल बजट सेगमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो हमारा आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 9.0, यानी कि आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिलेगा। एंड कस्टमर की बात करूँ तो हमारा आपको कलर वाइज 5.2 ऑन द टॉप देखने को मिलेगा। तो यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलेगा एंड कलर वाइज में जो एप्लीकेशन होता है बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है, चाहे आप बोल लो कैमरा एप्लीकेशन, डायलर पैड एप्लीकेशन, मैसेंजर एप्लीकेशन, सभी कुछ एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है। तो इसलिए जो UI है ना बहुत ही ज़्यादा बेटर UI है। तो आप बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, जो कि किसी भी स्मार्टफोन का मेन कंपोनेंट होता है एंड उसके ऊपर स्पीड एंड सभी कुछ डिपेंड करता है। तो इस स्मार्टफोन को देखने को मिलेगा मीडियाटेक हीलियो P70 का प्रोसेसर, जो कि बहुत ही दमदार प्रोसेसर है, जिसके अंदर आपको 2.1 GHz का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है जो कि बेस्ड ऑन कॉर्टेक्स A73 आर्किटेक्चर के ऊपर एंड 2 GHz का आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है जो कि बेस्ड ऑन कॉर्टेक्स A53 आर्किटेक्चर के ऊपर, जो कि पावर एफिशिएंट कोर है एंड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। तो स्पीड आपको इस स्मार्टफोन में बहुत ही ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा, कोई भी हीटिंग इशू, कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा, इवन आपको गेम खेलने के टाइम कोई भी आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा माली G72 MP3 GPU, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेटर GPU है एंड बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव GPU है। रैम वेरियंट की बात करो, जैसे कि यह स्मार्टफोन बजट सेगमेंट के अंदर लॉन्च होगा तो इस स्मार्टफोन में आपको थोड़ा सा कम वेरियंट देखने को मिलेगा एज ए बेस वेरियंट। तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा 2 GB रैम का बेस वेरियंट एंड 32 GB इंटरनल स्टोरेज एंड दूसरा एक वेरियंट देखने को मिलेगा जो कि होने वाला है 3 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज एंड 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज का आपको एक और वेरियंट देखने को मिलेगा। कैमरा सेटअप की बात करूँ तो बैक साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ लॉन्च होगा। तो यहाँ पर जो प्राइमरी सेंसर होने वाला है वो होने वाला है 24 MP का प्राइमरी सेंसर एंड 5 MP का आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि बजट सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव है एंड उसके साथ आपको AI फीचर देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर देगा इस कैमरा क्वालिटी को एंड उसके साथ आपको AI पोर्ट्रेट मोड, AI जूमिंग एफेक्ट, सारा कुछ देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन के अंदर। फ्रंट साइड की बात करो तो फ्रंट साइड में आपको देखने को मिलेगा 12 MP के फ्रंट शूटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो अपर्चर होने वाला है वो होने वाला है F1.9 के अपर्चर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा लो लाइट में इमेज को कैप्चर करने में एंड उसके साथ आपको AI ब्यूटिफिकेशन मोड देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर देगा इस कैमरा क्वालिटी को। बैटरी की बात करो तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा 4200 mAh का एक ह्यूज बैटरी एंड उसके साथ आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग फीचर देखने को नहीं मिलेगा। अदर फीचर की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन में आपको डुअल 4G डुअल वोल्टेज सेटअप देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, ऊपर में आपको 3.5 mm ऑडियो हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो डिज़ाइन होने वाला है थोड़ा सा प्रीमियम लेवल का होने वाला है एंड बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने वाला है। तो आप बात करें स्मार्टफोन का प्राइस एंड लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो इसका जो प्राइस होने वाला आपको देखने को मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 8,999 rupees एंड लॉन्चिंग डेट की बात करूँ तो जो स्मार्टफोन होने वाला है फरवरी या मार्च के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यही है कुछ लीक्स एंड रूमर्स रियलमी A1 के बारे में। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। आपने इस चैनल में पहली बार आए हो तो जाकर सब्सक्राइब मारो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो एंड उससे पहले आपने मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो करो, लिंक आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।